हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गर्ल नेक्स्ट डोर एंड वेलकम टू अ व्लॉग। जी हाँ, एक व्लॉग आ रहा है आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम। आई एक्चुअली स्टॉप्ड मेकिंग व्लॉग्स इन बिटवीन, बट फाइनली आई एम बैक विद अ व्लॉग। और इस व्लॉग में होने वाला है दैट आई एम गोइंग टू पैम्पर माय हस्बैंड फॉर लाइक 24 आवर्स। वैसे तो आई पैम्पर माय हस्बैंड ऑल द टाइम, बट अभी कुछ दिनों से थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा पैम्पर मैं कर रही हूँ उनको, बिकॉज उनके पैर में प्लास्टर है, ही गॉट अ हेयरलाइन फ्रैक्चर, सो विच इज नॉट अ मेजर वन, इट्स अ माइनर थिंग। और डॉक्टर ने बोला है 2 हफ्ते तक ये रहेगा, ही हैज टू टेक कम्प्लीट लाइक बेड रेस्ट और जितना हो सके अवॉइड करें चलना फिरना विद द प्लास्टर ऑन, और वैसे भी वो पॉसिबल नहीं होता है। सो या 2 दिन हो चुके हैं इस चीज को, 2 दिन मैंने फुल ऑन उनको पैम्पर किया, बट मैंने सोचा क्यों ना आज मैं प्रॉपर व्लॉग करती हूँ ऑफ हाउ वॉट आई डू एंड हाउ आई शावर ऑल माई लव ओवर हिम, बिकॉज ऑफकोर्स He deserves all of that. So, आपने देखा अभी स्टार्टिंग में मैंने उनको हेल्प किया इन फ्रेशनिंग अप एंड आई गेव हिम लाइक आई हेल्प हिम इन गेटिंग रेडी, आई गॉट हिम टी एंड जो भी उनको थोड़ा सा लेना था ब्रेकफास्ट के लिए, और मैं उनको डिपार्टमेंट छोड़ के आई उनके। आई एम बैक, आई एम नॉट गोइंग टू द डिपार्टमेंट, मतलब अभी सुबह ही है। एक्चुअली मुझे एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है फ्राइडे सैटरडे, सो उसके लिए मुझे प्रिपेयर करना है, तो वो मैं घर आ गई हूँ वापस। पहले मैंने सोचा था मैं जाके डिपार्टमेंट या लाइब्रेरी पढ़ लूँ, बट आई वॉज फीलिंग लिटिल हंगरी ब्रेकफास्ट, तो मैंने सोचा चलो वापस ही आ जाते हैं और अभी मैं अपना कुछ कुछ ब्रेकफास्ट करूंगी, फिर हो सकता है ही कॉल मी, सो आई विल गो हिम उनको लेने के लिए। एंड आगे मैं जैसा ऐसा दिन जाता है जैसे जैसे मैं उनके लिए करती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। एंड या सो सुबह एकदम बहुत दिनों बाद मैं ऐसे सुबह सुबह उठ गई थी 6:30-7 बजे। तो अभी ही इज लाइक देयर एंड ही विल गिव मी अ कॉल वेन एवर ही इज रेडी टू कम बैक। अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, अपना कॉन्फ्रेंस की प्रिपरेशन करनी है मुझे, वो करना है बिकॉज वो एक बड़ा काम है। व्हाइल ही इज नॉट हेयर आई कैन प्रेप लाइक प्रिपेयर, क्योंकि वेन ही इज अराउंड आई मेक श्योर कि आई एम अराउंड हिम ओनली एंड आई एम डूइंग हिज वर्क एंड थिंग्स। तो और उनके फ्रेंड्स वगैरह भी आ जाते हैं उनको मिलने के लिए, तो काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट मैं मतलब बता रही हूँ थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो आई विल जस्ट वेट फॉर हिज कॉल, और अगर मैं जाती हूँ या जो भी होता है नेक्स्ट आई विल शो यू। I am back, पढ़ाई काफ़ी देर मैंने कर ली, लाइक 3-4 घंटे। इट्स लाइक 2 PM राइट नाउ, एंड मतलब अपना एग्जाम देने के बाद इफ ही वेंट टू हॉस्टल, पास में ही हॉस्टल, तो हिज फ्रेंड्स टुक हिम, सो ही वॉज लाइक मीटिंग हिज फ्रेंड्स एंड रेस्टिंग, थोड़ा चिल टाइम कर रहे थे। तो अब मैं सोच रही हूँ उनसे पूछ लूँ इफ ही इज लाइक वॉन्ट्स टू कम, और मैंने सोचा है दैट टू टेक हिम ऑन अ नाइस लंच डेट, उनको लंच पे लेके जाती हूँ, सो दैट ही फील्स अ लिटल बेटर, थोड़ा ऐसे अच्छा लगेगा बाहर नहीं गए। ही इज समवन हु वुड गेट आउट ऑफ द हाउस लाइक 2-3 बार इन अ डे, एंड नाउ ही इज लाइक रिस्ट्रिक्टेड टू द होम 2 दिन से, तो आई एम लाइक थिंकिंग टू टेक हिम आउट, ही विल फील नाइस, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, वी लाइक गो ऑन अ ड्राइव और समथिंग, तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। बट उससे पहले आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर एंड पहले आई शुड कॉल हिम, बिकॉज मैंने जब किया था लाइक जैसी मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई थी तब मैंने कॉल किया था, तब ही सेट किया 1/2 घंटा, तो मैं नमाज पढ़ी एंड ऑल, तो अब आई एम जस्ट कॉलिंग हिम टू आस्क इफ आई शुड लीव, इफ ही सेज सो आई लीव इन 10 मिनट्स, 10-20 मिनट लग जाएंगे पहुँचने में। हेलो, अब आ जाऊँ मैं? अब आ जाऊँ? ऐसा क्यों आ जाओ था, दिल नहीं करा वापस आने का? क्या हुआ? नींद आ रही है? खाना क्यों खाऊंगी मैं? क्या खाएंगे? है? क्या खाएंगे? देखते हैं। देखते हैं तो। ये बताओ ना आओ कि नहीं आओ अभी। चलो आ जाओ। अच्छा क्यों, क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? कुछ नहीं, आओ। कुछ और प्लान था क्या आपका? नहीं, तो मन नहीं है अभी ना आऊं क्या? तो फिर ये क्यों पूछा, खाना खा लिया? खाना मैं खा लिया, मंगा लेता ना फिर।
बोला तो था चलेंगे बाहर। पड़ेगी क्यों? मैंने ऐसा कोई वो सोचेंगे ना जहां पे सीढ़ी वीढ़ी ना चढ़नी हो, जस्ट बाहर ही हो, है ना। मैं आपकी जैकेट रख के लेके आ रही हूँ। अरे वो अच्छी नहीं है, ये ब्लैक ब्लैक वाली ला रही हूँ। हाँ आती हूँ मैं 10 मिनट में, ठीक है। निकलती हूँ, निकलूंगी 10 मिनट में, ठीक है। मैं जब गाड़ी के अंदर बैठी होंगी ना नीचे, तब मैं आपको कॉल करूंगी कि मैं निकल गई हूँ, ठीक है। हाँ ओके, बाय बाय बाय। ओके सो ही डिड गिव अ हेड्स अप। आई थिंक ही वॉज फीलिंग अ लिटिल स्लीपी और मे बी ही वॉज नॉट येट रेडी येट टू लीव द हॉस्टल, वट एवर द रीजन इज, बट ही सेड ठीक है अच्छा आ जाओ। तो आई एम लाइक टेकिंग हिज जैकेट विद माई सेल्फ, लाइक मैं लेके जा रही हूँ, क्योंकि ही वॉज एक्चुअली इन हिज ट्रैक डिपार्टमेंट की ट्रैक जैकेट में थे वो, तो इट वुड फील अ लिटल ऑकवर्ड ना ऐसे, मतलब उस पर लिखा हुआ है पूरा एम यू एंड ऑल। तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक कैरी हिज जैकेट विद मी एंड हम लोग कार से जा रहे हैं। एक्चुअली आई नो आई हैव लर्न ड्राइविंग, आई नो हाउ टू ड्राइव, बट आई अवॉइड ड्राइविंग बिकॉज इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है ना बाहर। मतलब इफ यू नो हाउ टू राइड एंड हाउ टू ड्राइव, आपको पता होगा कि जब स्कूटी या बाइक पे होते कितनी इजीली आप लोग ट्रैफिक में से निकल जाते हो, बट कार के साथ यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड यू हैव टू लाइक स्टॉप और ध्यान से चलना पड़ता है, एकदम कॉशियस होके। तो मैं तो काफी अवॉइड करती हूँ, अनलेस बहुत बहुत ज्यादा कोई स्पेशल ओकेजन हो या इंपॉर्टेंट सिचुएशन हो, तभी आई टेक आउट द कार एंड ड्राइव। तो आज बिकॉज इट इज अ नीड, मतलब सिचुएशन ऐसी, तो लाइक आई हैव टू टेक आउट द कार अनफॉर्चुनेटली। तो चलो चलते एंड लेट्स लेट्स गो। आर वी रेडी? वो कहाँ लगी चलो। लगे कि लई हो? हाँ लाई हुई, ये लो चलो जैकेट ठीक लो, ठीक है चलो पहन लो, ठीक है चल चले चलो। अच्छा कैसा रहा आपका दिन? सही था। मैच थक गए। हाय बोल दो, कैसे हैं आप? थोड़े परेशान लग रहे हैं। खतरों के खिलाड़ी बन गए हम। खुजली हो रही है पैर में। आर यू एक्साइटेड फॉर टुडे? नो, इसलिए एक्साइटेड हूँ। देखो ना ऐसे, मतलब मैं लेके आई हूँ आज आपको। अरे भाई क्या है? जान सूख गई थी मेरी। जान सूख गई थी। अच्छा हमने क्या क्या ऑर्डर किया बताओ। भैया मुझे नहीं पता भैया, हम लोग जो आ जाएगा खा लेंगे। आय हाय हाय हाँ। बेचारे, मैच चल रहा है वहाँ पे। सो वी हैव आई हैव ऑर्डर्ड चिकन लॉलीपॉप और कढ़ाई चिकन, ये दोनों चीज़ें हमने ऑर्डर की। बाद में बहुत भूख लग रही है, 3:30 हो गया है। वी हैव कम टू करीम्स बिकॉज यहाँ पे पार्किंग का सही है और इजीली हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पे, इसलिए पार्किंग का सिस्टम मेरे लिए ठीक है, तो इसलिए आए हैं। एंड अब सही रहेगा, मतलब लाइटिंग यहाँ की अच्छी है काफ़ी। आई हैव कम वी हैव कम हेयर क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। ऐसे बैठो ना, आप ठाकुर लग रहे हो। आई हाय हाय, वॉज इट अ बैड आइडिया? आई थिंक इट वॉज, है ना। गाइस हमारा पोपट हो चुका है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लंबा जैम है। बाय द वे आप दिख क्यों नहीं रहे फू कहीं? ओए होए 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 होए, बहुत ही लंबा जाम है, पता नहीं कब चलेंगे। ओ चल गई, थोड़ी सी चली है, छोड़ो हटाओ, क्या ही करना आगे बढ़ा के।
बहुत लंबा जाम है भाई, इससे तो हम घर पे ऑर्डर करके खा लेते वो ज्यादा अच्छा होता सच में, है ना, है ना। मीनवाइल बेचारे ऐसे बैठे anyway. को लैंड करा दिया सक्सेसफुली। कैसा लग रहा है आपको सही सलामत घर पहुंच के? ओके सो वी आर बैक। बाप रे, पता नहीं किस बात का जाम था इतना ज्यादा, बहुत उधर आपने देखा दोहरा साइड में तो बहुत, बस कैसे कैसे पनाह मांग। दिस इज द रीजन व्हाई आई डोंट लाइक टू ड्राइव कार, बिकॉज फंस जाते हो आप, लिटरली आप जाम में फंस जाते हो। गॉड, मतलब ये दिस वॉज सपोज टू बी अ वेरी यू नो पैम्परिंग व्लॉग एंड ऑल ऑफ दैट, बट अनफॉर्चुनेटली आई पिस्ड ऑफ हिम, ही गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड एंड ही गॉट इरिटेटेड बिकॉज ऑब्वियसली मतलब पैर लेके, तो ही वॉन्टेड टू जस्ट गो होम एज सून एज पॉसिबल, तो प्लान एकदम ऐसा फ्लॉप सा हो गया। बट एनी वेज दिस वॉज क्वाइट एन एडवेंचर, ऐसे एडवेंचर बना टॉर्चर वाला सीन था। बट या वी केम बैक, एकदम टायर्ड फील कर रहे, एग्जॉस्टेड बहुत ज़्यादा, तो वी आर फाइनली होम। शाम को मैंने बनाया चिकन सूप विद ऑल द वेजीज, स्वीट एंड सार चिकन सूप, और पापा लाए थे रस मलाई जो कि इफ़ी की फेवरेट है, टू मेक हिम फील एक्स्ट्रा स्पेशल। इफो आपको पसंद है ना रस मलाई? रस मलाई पापा लाए थे कल, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बैठे बैठे सोए सोए खाने को मिल रहा है। मैं आपका अच्छे से ख्याल रख रही हूँ? हाँ रख ही रही हूँ। नाटकी नाटक कर रहे, सच बताओ ना, सच वाला बताओ, सच वाला। जबरदस्ती ऐसे लग रहा है, जबरदस्ती बोल रहे हो, सच्ची वाला बताओ। अच्छा अच्छी सच्ची बता रहा हूँ, है ना हैप्पी? आज मैंने आपको बहुत स्पेशल फील कराया। हाँ, बहुत स्पेशल फील कराया कुछ ज्यादा ही ना। दर्द हो रहा है, चलो ये खा लो फिर दवा देती हूँ। कैसा रहा आपका दिन, थोड़ा आप समराइज करेंगे? अच्छा रहा दिन हमारा, है अच्छा रहा। नहीं आई थिंक नॉर्मल डेज ज्यादा अच्छे जाते हैं हमारे, जहाँ पे आई एम लाइक वेन ही वॉज एट होम, दो दिन हमारे बहुत अच्छे गए। शाम वाम में मैंने खूब चाय और नाश्ता ये वो, आज हमारा दिन मोस्टली बार बार ज्यादा चला गया ना मतलब। हाँ सुबह के, एंड पता है मैं घर आके एकदम सो गई थी, एकदम टायर्ड बहुत, एक घंटा आई वॉज लाइक जोन्ड आउट कम्प्लीटली। एनी वेज तो हाउ डू यू फील, कैसा लग रहा है आपका पहली बार आपको ऐसे हुआ है इंजरी? जाहिर सी बात सबको बुरा लगता है, बुरा लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। हाँ। अगर मुझे लगा होता ऐसे और मेरी कोई सेवा करा होता तो मैं तो बहुत ही खुश होती। अच्छा। बैठे बैठे ऐसे चिल करो, मूवी देखो, मजा आता आपको? बट हमें आदत नहीं है आपको? हाँ इनको आदत नहीं है, मैंने बताया था ना इनका एक पैर घर से बाहर है, मतलब तो तीन चार बार तो घर जाएंगे। मुझसे कह रहे थे चलो वीडियो कल बनाते, तुम गोरी दिख रही हो, मैं अच्छा नहीं दिख रहा। अच्छा मैंने That was it for this छोटे सा vlog. Actually, I wanted to do a like fun Q&A session with him, but उनको थोड़ा सा भी pain हो रहा था, मैंने मतलब medicines दी हैं रात वाली जो उनको देनी थी। Actually, fracture के बाद मतलब plaster के बाद पहला ऐसा दिन है जिसमें he had to step out and get out of the house, काफ़ी activity हो गई आज के लिए, तो obvious सी बात है थोड़ा सा comfort zone से बाहर निकले तो दर्द तो होना ही था। तो I've given him medicines and now we'll just big boss जैसे ख़त्म हो रहा है we'll just go off to sleep। अच्छा अच्छा खाना आया था, मतलब सिर्फ मैं ही पैम्पर नहीं कर रही हूँ, आज मम्मी ने भी अच्छा अच्छा खाना बना के भेजा था, एंड जो मेरी एक स्टूडेंट है उसकी मम्मी ने भी पाए बना के भेजे थे, तो थैंक यू फॉर देम, थैंक यू टू देम। और पापा भी रसमलाई लेके आए थे बिकॉज इफ ही लाइक्स रसमलाई, तो सिर्फ मैं ही नहीं पैम्पर कर रही हूँ, ऑल द पीपल अदर पीपल ऑल्सो आर पैम्परिंग हिम विच इज अ गुड थिंग। वो Q&A सेशन आई एम थिंकिंग कि हम जो है ना किसी और वीडियो में कर सकते हैं। कॉमेंट डाउन बिलो इफ यू वॉन्ट माई हस्बैंड टू पार्टिसिपेट मोर इन माई ब्लॉग्स इन माई वीडियोज, तो आई शो हिम, देखो देखो पीपल ऑल्सो वॉन्ट टू सी यू, तो मे बी उनको थोड़ा और बेटर ही बी एबल टू फेस द कैमरा एंड ही नॉट फील शाय, थोड़ा ही फील्स कैमरा कॉन्शियस एंड शाय, तो थोड़ा वो मोटिवेटेड फील करेंगे इफ यू गाइज कॉमेंट डाउन एंड टेल हिम। सो या दैट वॉज इट फॉर दिस व्लॉग, अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो दैट बेल आइकन जो एक घंटियों से दबा दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो मैं चलती हूँ आपसे मिली नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।